Beyond Wellness presents the Wedding Expo Karachi 2022 in partnership with Interwood and an event by Occasions. It's all about the wedding, the fashion, the jewelry, the makeovers, the attire. जनाब पाकिस्तान में 1st and 2nd अक्टूबर को कराची एक्सपो सेंटर में जो इवेंट होने जा रही है उसका नाम है द वेडिंग एक्सपो 2022 और ट्विक इसका शॉर्ट है और इसकी आज लॉन्चिंग सेरेमनी में हम लोग इसको मैरियट में मौजूद हैं। तो आइए इसके कुछ ग्लिम्सेस देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हैपनिंग्स हो रहा है। ये बताइए कि वेडिंग एक्सपो के पीछे ये आसान शादी का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? आसान शादी ये विजिटर्स के हवाले से है, जो लोग हमारी वेडिंग एक्सपो में आएंगे, डिफरेंट ब्रांड्स के पास विजिट करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो उनके लिए आसान इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ अगर वो कॉस्ट करती है 100 रुपीज़ की, तो वो आप वहाँ पर 70-80-85 रुपीज़ की मिल रही होगी। हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स हैं, छोटे से बड़े ब्रांड्स हैं, ज्वेलरी, इवेंट प्लानर्स, केटरर्स, फर्नीचर्स, ड्रेसेस, ब्राइडल सैलॉन्स, एवरीथिंग यू कैन गेट देयर फॉर वेडिंग प्रिपरेशन। तो उसमें आपके जो डिस्काउंट्स मिलेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपके जो टोटल वेडिंग बजट है उसमें से अगर हम कामयाब होते हैं कि जी 15-20-25-30% हमारा टारगेट है कि अगर हम कामयाब होते हैं इसमें, तो मेरे ख्याल लोगों के लिए शादी कुछ आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि आज के लिए शादियों का सीजन चल रहा है, हमारे कंज्यूमर्स DHA में, फिलिप्टन में, मुख्तलिफ शॉप्स पे मुख्तलिफ आइटम्स खरीदने के लिए वो जा रहे होते हैं। और मार्केटों में मैंने कल खुद भी देखा, किसी अपनी बाइक के साथ मार्केट गया, तो बहुत रश, उस रश की इंतहा यह है असल से चांद, क्योंकि शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और हर आदमी अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए शादी के कपड़े, अपने जो जिनके घरों में शादी हो रही है वो खरीदारी के लिए बाहर निकले हुए हैं। हालात भी दिन ब दिन ख़राब हैं, कराची में छीना झपटी भी हो रही है, लॉर्ड नाडा की सिचुएशन बहुत खराब है। इस सिलसिले में मैंने आज जो है वो और उनके साथ जिन्होंने स्पॉन्सर किया इस प्रोग्राम को और या जो लोग इनके पार्टनर्स हैं, सलीम खान साहब भी यहाँ पर मौजूद, तो उन सबको का एक बहुत बड़ा विजन मुझे नज़र आता है, वो ये कि
एक छत के नीचे सारी चीजें जो शादी ब्याह से मुताल्लिक हों, चाहे वो कपड़े हैं, ज्वेलरी है और फर्नीचर का आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, अपना कीमती वक्त जाया करते हैं। मैं समझता हूँ कि एक छत के तले ये एक बेहतरीन प्रोग्राम होगा और उसमें लोगों को बहुत मुनासिब रेट पे अच्छी चीज़ दस्तियाब हो सकेगी। तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को चाहता हूँ कि हर साल, बल्कि खसूसी तौर पे शादियों के सीज़न में, वेडिंग सीजन में ऐसे प्रोग्राम मुनाकिद। ट्विक में आई है काफी रिनोन सेलिब्रिटीज, उन सेलिब्रिटीज से हम आपकी मुलाकात करा दें। के बाद लाइक वेडिंग एक्सपो को प्रॉपर मेंटेन करना और उसको लेके चलना, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। और जैसे बातें अभी हमें होट पे गई, यही सारी चीजें मैं डिस्कस कर रही थी। और ये जो वेडिंग एक्सपो होने जा रहा है 1st-2nd अक्टूबर और नंबर 6 2022 एक्सपो सेंटर कराची में, तो इसके अंदर आपके लिए खास बात यह है कि सारे वेंडर यहाँ से मौजूद है, जिसके अंदर ज्वेलर्स आ गए, डिजाइनर्स हैं, उसके अंदर फर्नीचर है, सैलून है, केटरिंग है, लाइक आपको सारी चीजें मौजूद है। ठीक ठाक है, शॉर्ट एक रिव्यू देते हैं अबाउट के एक वेडिंग एक्सपो हो रही है कराची में, तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं? मतलब प्योरली वेडिंग एक्सपो, बेसिकली आई एम वेरी एक्साइटेड आफ्टर कोविड, लाइक जाहिर सी बात है जो हसन की पूरी टीम और उसकी जो मेहनत है, वो इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए और मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी है कि इतने सारे वेंडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इतनी सारी ऑफर्स लेके आपकी शादी को आसान बनाने के लिए, तो मैं समझती हूँ इसको अवेल करना चाहिए और हम इनके साथ हैं और आगे भी प्रोग्राम्स के साथ हैं। तो ऑल द बेस्ट वेडिंग एक्सपो। I'm the seat set up, don't forget to watch back. So janab, it's time to share something exciting with you. Yes, tweak mein exciting kya hai, take a look. Khushi ki baat hai ki aapki team aapko bhi shopping mein kahan se mil raha hai, kahan se तो अगर वर्कबुक की एक अपन जैसा आपकी सेवा करने के लिए एक्सपो का बीच में अरेंज किया है, यहाँ आपके वर्कबुक तमाम लोगों एक ही जगह पे अच्छे हेल्दी कॉम्पिटिशन के साथ आपको अच्छे से सेवा के लिए, आपको फर्नीचर हो गया, आपको वेडिंग के डेकोर वाले हो गए, आपको गिफ्टी वाले, स्पेशली अच्छे तमाम मेकअप आर्टिस्ट आपको वहाँ पर मिलेंगे। वेडिंग एक्सपो के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है, एक ही रूफ के अंदर सारी फैसिलिटेशन मौजूद हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब कराची के अंदर हालात बहुत प्यारे हो गए हैं, लोग इस तरह की चीज़ें अरेंज हो रही हैं, इस तरह के एग्जीबिशंस हो रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि शादी की तैयारियां कहां से हों, फर्नीचर कहां से लेना है, जोड़े कहां से लेना है, मेहंदी कहां से लगाना है, मेकअप कहां से करवाना है। ये बहुत अच्छा है कि वेडिंग एक्सपो वीक के अंदर सब एक ही जगह पर है, कॉम्पिटिशन हेल्दी होगा, लोग अच्छी तरह देख सकेंगे, जगह जगह घूमने से बेहतर है एक ही जगह पर तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और मेरे ख्याल से औरतें बहुत खुश होंगी इसमें, क्योंकि हर चीज़ यहीं पर अवेलेबल होगी। Great Vakar. Hi, I'm Vakar. Don't forget to see Australia now. Bad. A tweak में आई है काफी renowned celebrities. On celebrities से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। Don't forget to watch back. I am Bakar. Don't forget to see Australia now. Back.
ट्विक द वेडिंग एक्सपो कराची एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फैशन डिजाइनर्स भी आपको मिलेंगे और डिफरेंट मेकओवर स्टाइलिस्ट भी आपको मिलेंगे और सिर्फ यही नहीं बल्कि वेडिंग प्लानर्स भी आपको मिलेंगे। तो इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐसी मौजूद हैं और कौन कौन से लोग इस एक्सपो में शामिल हो रहे हैं, अगर हम इसको मज़ीद आपके सामने एलोबरेट करें तो कैसा रहेगा? और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा जो इस इवेंट यानी कि ट्विक द वेडिंग एक्सपो कराची के जो लीड स्पॉन्सर है जिसमें शामिल है जीरो बियॉन्ड वेलनेस, जो कि एक ऐसा ब्रांड है जो कि डिफरेंट किस्म के मसाजर मशीन और एरोबेटिक मशीन लेकर आ रहा है, वो इसके लीड स्पॉन्सर है। और साथ में इंटरवोट जो कि फर्निशिंग और आर्किटेक्चर का एक नियर रेवोल्यूशनरी ब्रांड अगर हम उसको कहें तो गलत ना होगा। तो इंटरवुड और जीरो के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी अपने व्यूज पेश किए हैं रिगार्डिंग द ट्विक। Hi, this is Nadia Sen and don't forget to watch Brand.
up, don't forget to watch BAM. Hi, I'm Bakar. Don't forget to see this channel now. BAM. All इस सॉफ्ट लॉन्च ट्वीट में चार चांद लगाए हैं कोरियन काउंसिल जर्नल ने, कोरियन काउंसिल जर्नल जिन्होंने ना सिर्फ जो है हिज हाइनेस ने आकर इस इवेंट को जो है ऑनर दिया बल्कि अपने व्यूज रिप्रेजेंट किए। इसके अलावा यहां पर भी केक कटिंग सेरेमनी, एमओयू साइनिंग सेरेमनी, डिफरेंट कॉस्मेटिक और आप कहने के लिए वेडिंग सोल्यूशन प्रोवाइडिंग ब्रांड्स के बीच में, जिसमें कोरियन ब्रांड्स, स्किन केयर, कॉस्मेटिक ब्रांड्स भी शामिल हैं, उनके बीच में एमओयू भी हुआ है और इसके अलावा जो है बहुत सारे सेलिब्रेटिंग मोमेंट्स भी हुई हैं। I don't experience the Pakistani wedding culture, but now I am finally today here in this very meaningful event, this wedding Karachi Wedding Expo, biggest event expo in Pakistan, and so 1st October, 2nd October, the 2 days is expo, but today the launching event I can attend. It is very I am very pleased and I it is for me very, very honored. सो जनाब इसी तरह का और बहुत सारा कंटेंट देखने के लिए आप देखते रहिए bamtv.pk और हम आपको लेके जाएंगे ट्विक 22 एट एक्सपो सेंटर ऑन 1st and 2nd October एज वेल। तो कीप वॉचिंग bamtv.pk। Bad.